नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी अंतर रेलवे डिवीजन स्थानांतरण के लिए रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण आदेश। विशेष ग्रुप सी और डी के रेल कर्मचारियों की विशेष कठिनाइयों में एक रेलवे से दूसरी रेलवे में उनके स्वयं के अनुरोध पर रेल प्रशासनों द्वारा अनुकूल रूप से विचार किया जाए। ऐसे कर्मचारियों को जो एक रेलवे से दूसरी रेलवे में उनके अनुरोध पर स्थानांतरित किए गए हों, उन्हें नई स्थापना में संबंधित ग्रेड के पदोन्नति समूह में सभी वर्तमान स्थायी स्थानापन्न और अस्थायी कर्मचारियों के नीचे रखा जाएगा। पहला, स्थानांतरण के निवेदन देने की अनुमति केवल सीधी भर्ती वाले ग्रेडों या उन मध्यवर्ती ग्रेडों के लिए है जिनमें सीधी भर्ती की जा सकती है। नोट, स्थानांतरण के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण चंडीगढ़ द्वारा आनंद प्रकाश तथा अन्य द्वारा दायर ओए संख्या 413 HR 98 पर दिनांक 22/9/98 के निर्णय और इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा तथा उच्चतम न्यायालय में प्रशासन द्वारा दी गई याचिकाओं के खारिज हो जाने के परिणाम स्वरूप यह आदेश जारी किया गया है कि सीधी भर्ती के ग्रेडों में निम्नतम वरिष्ठता स्वीकार करने की शर्तें पर अनुरोध किए जाने पर यह अवश्य जांच कर ली जाए कि कर्मचारी के पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता होने पर ही स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। दूसरा, पारस्परिक अदला बदली के आधार पर स्थानांतरण किसी ग्रेड में हो सकता है। इस तरह की अदला बदली के लिए किसी कर्मचारी को उपयुक्त राजी व्यक्ति मिल सके, इसके लिए प्रशासन को मुख्यालय में एक सेल की स्थापना करनी चाहिए जहां उसी रेलवे में एक प्रवर्ता इकाई से दूसरी में और किसी दूसरी रेल में स्थानांतरण के लिए आवेदनों का रजिस्टर रखा जाए। आवेदन प्राप्त होने पर रेलवे प्रशासन दूसरी रेल को लिखेगा ताकि यह आवेदन रेल गजट में प्रकाशित हो और इच्छुक कर्मचारी उसके बारे में जान सकें। यह आवेदन प्रार्थियों की वरीयता के आधार पर रजिस्टर में नोट किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष में एक बार उन पर जरूरी कार्यवाही की जाएगी। यह सेल में निपटारा होता रहे और उनके कारण कर्मचारियों को उनकी वरीयता की हानि कम हो सके। दूसरा, पारस्परिक अदला बदली के आधार पर अंतर रेलवे और अंतरा रेलवे स्थानांतरण के आदेश दोनों पार्टियों की सहमति से किए जाते हैं। इनके आवेदन पत्रों को अग्रेषित करते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि किन्हीं भी परिस्थितियों में इस व्यवस्था में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा और कर्मचारी को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। बोर्ड ने इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। तीसरा, स्थानांतरण के आवेदन कर्मचारी की अपनी रेल के अलावा दूसरी रेल पर भी रजिस्टर में नोट किए जाने चाहिए। उपयुक्त रजिस्टर मंडल कारखाना और मुख्यालय सभी इकाइयों में रखने चाहिए। चौथा,
चौथा, स्थानांतरण के आवेदनों पर सुसंगठित ढंग से कार्यवाही करनी चाहिए। इस बारे में किसी कर्मचारी के मन में शिकायत का अवसर ना आए। पांचवा, जिस जगह कर्मचारी स्थानांतरण चाहता है वहां संवर्ग में कोई रिक्ति हो तो तुरंत आवेदन स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए। का, निम्नतम वरिष्ठता पर अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के अनुरोध। निम्नतम वरिष्ठता पर स्थानांतरण के लिए रेल सेवकों द्वारा अनुरोध कठिन परिस्थितियों के विशेष मामलों के आधार पर किए जाते हैं, इसलिए रिक्तियों की मौजूदगी की आधार पर अस्वीकार न किया जाए। यदि रिक्तियों की मौजूदगी की आधार पर अस्वीकार न किया जाए तो सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति जैसा भी मामला हो के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। छठवां, जब रेल भर्ती बोर्डों को इंडेंट भेजे जाएं तो जितने कर्मचारियों ने विभिन्न संवर्गों में आने या उससे बाहर जाने के लिए आवेदन किया हो उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना चाहिए। सातवां, नई इकाई संवर्ग में वरीयता सबके नीचे निर्धारित होने के बावजूद यदि नई इकाई में पदोन्नति की शर्त के रूप में न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित हो तो पात्रता निश्चय करने के लिए पुरानी इकाई में की गई सेवा की गणना की जा सकती है, बशर्ते वह नई इकाई में उसके आसन्न वरिष्ठ की सेवा अवधि से अधिक ना हो। यह लाभ तभी मिलेगा जब दोनों इकाइयों में वह समान कोटि के पद पर काम करे। आठवां, उसी वरीयता इकाई में स्थानांतरण के आवेदन। का, उसी वरीयता इकाई में अपनी पसंद के स्टेशन के लिए स्थानांतरण के लिए भी आवेदनों के रजिस्टर रखने चाहिए। खा, यदि कुछ स्टेशन पोस्टिंग के लिए लोकप्रिय ना हो तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें सभी अधिकृत पद भरे रहें, कोई निश्चित अवधि तय की जा सकती है जिसमें वहां काम करने के बाद ही अधिक लोकप्रिय स्थान पर स्थानांतरण किया जाए। नौवा, स्कूल सेशन के मध्य में स्थानांतरण केवल प्रशासन के हित में कम से कम होने चाहिए। दसवां, दिक्कतों के आधार पर स्थानांतरण के आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए। ग्यारहवां, विकलांग कर्मचारियों के अपने मूल निवास स्थान या उसके समीप स्थानांतरण के आवेदनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बारहवां, यदि कोई माता पिता जिसका बच्चा मानसिक रूप से अपंग हो अपनी पसंद की जगह पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करें तो जहां तक संभव हो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। तेरवा, स्थानांतरण के आवेदन के जो रजिस्टर नियमानुसार रखे जाते हैं उन्हें समय समय पर पूरा करते रहना चाहिए, जैसे वर्ष में एक बार या छमाही। जो लोग स्थानांतरण के इच्छुक ना हों उनके नाम उनमें से काट देने चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें
आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।